हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लता की रसोई। आज हम बनाएंगे शाही पनीर, बिल्कुल मार्केट जैसा घर पर। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने लिए हैं 2 टोमेटोस, थोड़े से काजू और 2 प्याज, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और एक मैंने हरी मिर्च ली है। अब मैं एक जार में टमाटर डालूंगी, प्याज डालूंगी और काजू डाल दूंगी, और एक हरी मिर्च जिसके मैंने टुकड़े कर लिए थे वो भी डाल दूंगी, और इसको मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इस तरह। अब मैं गैस पर कढ़ाई रखूंगी और कढ़ाई में मैं 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालूंगी। तेल गर्म होने पर इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, हींग थोड़ी सी, और ये पेस्ट मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और गैस की फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये मिक्स हो रहा है अच्छे से, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे और फिर इसको ढककर रख देंगे। अब जब तक हमारा मसाला रेडी होगा, हम पनीर के पीस कर लेते हैं। ये मैंने 1 पाव पनीर लिया है, मार्केट वाला पनीर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घर का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर के हम ऐसे छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे। अब ढक्कन हटाकर अपना मसाला चलाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, मिर्च मैंने इसमें ग्रीन भी डाल दी थी जब इसको ब्लेंड किया था, तो मिर्च आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लें, टेस्ट के अनुसार आप इसमें मिर्च ऐड करें। मसाले हमारे सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आप इसमें डालना चाहें तो शाही पनीर मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं वो मसाला अवॉइड करूंगी। ऐसे ही हमारा शाही पनीर काफ़ी अच्छा बनेगा। अब ये मैं 1 कटोरी दूध इसमें डालूंगी चलाते हुए। गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और इसको चलाते हुए अच्छे से फेंटें। दूध को हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा दूध हम इसमें नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत हो तो इसमें ऐड कर दें। ये मैंने 1 कटोरी पानी इसमें डाला है और 1 कटोरी दूध डाल दिया। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और इसमें उबाल आने देंगे। कुछ ही सेकंड में इसमें उबाल आने लगेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट और चलाएंगे। अब हमारी ग्रेवी रेडी है। मैं इसमें पनीर के पीसेस डालूंगी। पनीर के कुछ पीसेस लेकर मैं हाथों से क्रश करते हुए ऐसे डालूंगी, ताकि ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी थोड़ी थिक लगे। अब बाकी के जो पीसेस हैं मैं ऐसे ही इसमें डाल दूंगी छोटे छोटे करके। पनीर अब हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से चलाएंगे और कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे, ताकि ग्रेवी और पनीर अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। अब मैंने 1 बाउल में 1/4 क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम। मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है, आप चाहे तो मलाई को फेंट के इसकी क्रीम बना सकते हैं, और हम इसमें ऐड कर देंगे वो क्रीम। अब ये क्रीम मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर दी है और हमारी सब्जी अब रेडी है, शाही पनीर की, बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट जैसी। थोड़ी देर इसको और ढककर रख दें और फिर इसको सर्व करें, ताकि ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाए थोड़ी।
जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी इसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है अब हमारी ये सब्जी शाही पनीर की। अब कुछ देर ढके रहने के बाद इसकी ग्रेवी और अच्छे से ठीक हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। और इसको क्रीम इसके ऊपर डाल के गार्निश कर दूँगी और एक धनिया की पत्ती इसमें मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आप भी ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लता की रसोई।